हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अपने चलते हैं कार्गो की तरफ, जो आज मुझे लेके जाना है। आज स्पेशल कार्गो तो नहीं कहेंगे, पर डिफरेंट कार्गो कहेंगे, जो अभी तक मैं नहीं लेके गया हूँ यूरो ट्रक के अंदर, अपने इस चैनल के अंदर। तो आज आप देखने वाले हैं जो अभी तक मैं नहीं लेके गया हूँ। ओके, मैं गलत क्यों लेके जा रहा हूँ। ओके, मैं ना आपको कार्गो दिखाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने फुल कवर किया हुआ है। ऑलराइट, ओके ओके ऑलराइट। चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके पीछे ले आता हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि मेरा कार्गो आज क्या है। ऑलराइट, ये रहा मेरा कार्गो। पहले मैं जो लेके गया हूँ अपने मैरकिन ट्रक के अंदर, जो मेरा मैकिन ट्रक के अंदर कार्गो है, वो बड़े बड़े टायरों वाले देखे हैं मैंने। तो जो ये वाला है, ये छोटे टायर हैं, तो इसलिए ये स्पेशल कार्गो नहीं है, नॉर्मल कार्गो है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मिशन को, और मैंने ये मिशन ले लिया है। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। और मुझे निकलना कहाँ से है, और वो रहा रास्ता, ये है टायर। एक जगह पे तीन पड़े हुए हैं और तीन जगहों पे दो दो पड़े हुए हैं, तो उसकी जगह पे भी एक एक और रख देते, तीन 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 वाले सेट बन जाते। चलो इसको इधर से घुमाते हुए, इस दफ़ा यार बड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। ये ट्रक का फ्रंट जो व्यू है, या फ्रंट जो इसकी लुक है। ओके ओके, मैंने जा अंदर बैठते हैं और निकलते हैं। किस तरफ जाना है हमने, ठीक है, हमने पहले जाना है लेफ्ट। और हाँ, मैंने वो याद आया कि मैंने अपने आप को बैक करना था। तो बैक के लिए सबसे पहले तो अपनी सीट कुर्सी को पीछे हिला दिया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो अगर मैं थोड़ा भी हिलाऊंगा तो गुजारा हो जाएगा। मतलब इतना है कि मैं इधर और इधर देख लूँ बस, ठीक है। मुझे 6 दफ़ा हर दफ़ा करना है, तो अगर तो सही रहा, अगर इससे ज़्यादा करके देखूंगा फिर कैसा लगता है। तो मैं काफ़ी बैक आ चुका हूँ, या कह लो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो गया है। तो फील्ड ऑफ व्यू अगर वैसे ज़्यादा, तो मल्टीप्लेयर बंदों को पता है फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली कैमरे के अंदर एक व्यू होता है, मुझे अभी याद नहीं है उसका नाम रियल में। वो ना बिल्कुल बैक ले जाता है, बेसिकली उसके अंदर एक लेंस होता है जो कि उसको बिल्कुल बैक ले जाता है। तो वही वाला काम मेरे साथ हुआ, तो मैं इसको फुल बैक ले गया हूँ, वहीं का वहीं बैठा हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैं पीछे चला गया हूँ। अभी मुझे वो लफ्ज़ भूल गया है, उसको कहते क्या होते हैं, फील्ड ऑफ व्यू तो वैसे मल्टीप्लेयर के अंदर कहते हैं उसको, जो मल्टीप्लेयर बंदा खेलता है उसको पता है फील्ड ऑफ व्यू करते हैं। ओके, मेरा जो छोटू सा मैप है ना, छोटू सा मैप, वो मुझसे बहुत दूर हो गया। ठीक है, चलो इसको भगाते हैं। इधर से कोई आके ना टकरा जाए। मुझे सिर्फ सीधा ही जाना है, वो उधर वैसे मैं रास्ता बंद किया हुआ, उधर कोई जा ही नहीं सकता, लगता है वो मैप में ही नहीं है। शायद यू टर्न मैंने लेना है, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे तो। ओके ओके, यू टर्न लेना मैंने, ठीक है। ओके, बहुत छोटा गेयर लग गया। पहले तो मैं जाऊंगा इस तरफ, इन गाड़ियों को ज़रा देख के मुझे जाना पड़ेगा। ओके, पीछे से बिल्कुल परफेक्ट है। hmm.
गाड़ी वाला मुझे गुजरने देगा ना? ओके मैं पूरा गलत कर गया हूँ, लेकिन मुझे फिर दोबारा घूम के आना पड़ेगा। अब थोड़ा सा तेज करता हूँ मैं इसको, अपने ट्रक को। मुझे लगता है ये कार वाला मुझे लेने देगा। ठीक है ओके, मुझे इधर जाना था और मैं गलत हो गया था। ठीक है, पीछे से भी परफेक्ट है। ऑलराइट, बस सिमुलेटर में तो होता है ना कि आप बटनों को ना माउस को क्लिक करके एक दफ़ा, तो उसके बाद बटनों को ऑन कर सकते हैं, जैसे वो ट्रेन के अंदर मैं करता हूँ। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, सारा कुछ कीबोर्ड के ऊपर ही है। ओके, एक दफ़ा और आगे जाना पड़ रहा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिर दोबारा से मिशन वैसा ही मिल गया है जैसा मैं पहले चाहता था, और मुझे इस मिशन से पहले जो मिशन था ना वो मुझे मिला था उसी तरह का, सेम टू सेम। तो ओके मुझे, ओके ये गाड़ी वाला भी नहीं गुजरा और मेरा स्लो स्पीड हो गई है। ठीक है मैं गुजर गया हूँ। अब मुझे याद रखना है कि मुझे इस वाले कट से, हाँ इधर से बस जाना वापस। ओ यहाँ से ही मैं पुल पर चढ़ जाऊंगा, सही है। आज तो लगता है बहुत कट आने वाले हैं। आ हा हा, मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मोड़ आने वाले हैं, फुल स्टेयरिंग को यूज करने का मौका मिलने वाला है मुझे। आगे जो पिछला मिशन था उसके अंदर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ा है, लेकिन वो वैसे ज़्यादा मुश्किल होता है काम। बिल्कुल सीधा हैंडल को रखो और चलाते रहो, गियर कुछ ज़्यादा ही छोटा है। और ये लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? पेट्रोल डलवाने और शायद उस तरफ जाने के लिए। और ये इस रोड के ऊपर आने के लिए मैंने इतना लंबा चक्कर निकाला है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया उस लंबा चक्कर को निकालने के लिए। अब मुझे कोई और भी आ रहा है, हाँ इस तरह मुझे जा रहा है। क्या बात है, आज मज़ा बहुत मज़ा आ रहा है। ओके आज लगता है बस गोल गोल ही घूमूंगा मैं यहाँ पे ही। और यहाँ पे तो मेरा घर भी है। बैक जाने से बड़ा फायदा होगा वैसे। ओके ये अब गाड़ी वाला आ गया। ओ मैंने इधर जाना, इस तरफ है। और राइट, ये मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल काम आ गया। मैंने कर तो दिया इस तरफ, लेकिन अब मुझे शीशे के अंदर भी देखना पड़ेगा और मुझे बहुत आगे जाके इसको इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। और एक गाड़ी वाले, थैंक यू आपने मुझे जगह दी है। ठीक है, बहुत अच्छे मैंने, बहुत अच्छा मैंने किया है मोड़ पे काम। गलती से ही सही, चलो सही मैं इधर आया हूँ, लेकिन मज़ा आ गया। ओके मुझे अब इस तरफ जाना है, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है ओके, अब मुझे क्या करना है? शायद मैंने इस तरफ जाना था और मैं उस तरफ चला गया था। चलो कोई नहीं, पर मजा आया यार। अब देखते हैं अब कोई नया कट आता है कि नहीं। वो छोटू सा मैप है और उसके अंदर मैं देख भी बड़े मुश्किल पा रहा हूँ, और ऊपर से स्टेयरिंग व्हील की वजह से मैं दूर भी बैठा हुआ हूँ। मैं ज़रा इसको इस तरफ कर दूँ।
ओके, मैं स्लो कर रहा हूँ इसको। प्यार से जाना है मुझे। ओके, स्लो और कर दूँ। मैं पीछे वाले शीशे पे भी देख लूँ, कोई याद नहीं रहने, कोई भी नहीं आ रहा। आज तो यार बड़ी पुलें गुजरनी पड़ रही हैं। ये गियर तो अच्छा है, इसको ज़रा भी फील नहीं हो रहा ऊपर चढ़ते हुए भी। ओके, मैं इसका आखिरी गियर लगा दूँ। 90 स्पीड करने का टाइम आ गया है और इस वक्त स्पीड है 66। ये वैन तो बड़ी तेज़ जा रही है। ओके, मैं इसको स्लो ही रखूं क्योंकि फिसल भी सकता है मेरा ट्रक। अभी तो इशारा लगा दूं, कोई मुझसे पीछे से टकरा ना जाए। ये लोग इधर आ रहे हैं, मैं इधर आ जाऊं इज्जत के साथ ही, इससे पहले कि ये लोग मुझे मार के उड़ा दें। इन गाड़ी का कुछ बचना नहीं, मेरे नीचे आके और मेरे ऊपर चलान भी पड़ जाना और मुझे रिपेयर करने की भी टेंशन बन जानी और पता नहीं लॉस क्या क्या हो जाना है, वो जो मुझे डिलीवरी करनी है उसके लिहाज से भी। तो ऐसे टायरों को होता तो कुछ भी नहीं है, क्या हो जाना टायरों को? टायर तो ऊपर बस वो तो होते ही रोड पर चलने के लिए, वो कुछ टूट नहीं होते हैं। मुझे थोड़ा सा राइड की तरफ देखना पड़ेगा। गाड़ी एक आ रही है, ठीक है, ऑलराइट, मैं इसी रोड पे आ जाता हूँ। 90 की स्पीड में रख सकता हूँ इस रोड पे। मुझे सीधा जाना है। ओके, मुझे ऊपर नहीं जाना, बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे ही आता है ना कि एक कट आ गया है, टर्न आ गया हुआ एक, और मुझे देखना पड़ जाता है कि मैं सीधा जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। और जब भी कोई किसी जगह को मैं देखता हूँ ना किस तरह मुड़ना है, तो मैं दिल में आ रहा था मैं उस तरह मुड़ ही जाऊँ, सीधा ना ही जाना पड़े। ओके, 10वां गियर लग चुका है, जितनी हमें स्पीड चाहिए उस लिहाज से तो गियर लग चुका है। 90 रोड की स्पीड है, 93, 92, 95, बस इसी पे रहने वाला हूँ मैं। ओके, ये तो 100 के पास जा रहा है, इस लगता है इस वाले के गियर कम है। अब ज़रा मुझे संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि मैं 100 से ऊपर चला गया हूँ। अभी तक तो मुझे सीधा ही जाना है। अब तो ज़्यादा किलोमीटर रह भी नहीं गए होंगे, अब तो मैंने बड़ा सफ़र कर लिया है शायद, या थोड़ी देर में बस मुझे फिनिश लाइन भी दिख जानी है। ओके, मुझे दूसरी साइड पे जाना है, कोई गाड़ी वाला नहीं है, मैं मुड़ सकता हूँ। बड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे इशारा भी लगाना था, मुझे कोई ज़्यादा जल्दी नहीं याद आ गया।
ओके मैं छोटा गियर कर दूं। अरे वाह बड़ी कमाल की गुलाई आ गई है। मैं गोल घूम रहा हूँ इस टाइम, चाहे थोड़ा सा मुझे हैंडल मोड़ना पड़ रहा है। हो गया, मैं इशारे को बंद कर सकता हूँ। नहीं मुझे फिर लगाना चाहिए क्योंकि मुझे फिर दोबारा राइट साइड पे आना है। हाँ वही ना। ओके मैं स्नूकर में आ गया हूँ, अब परेशानी टेंशन ख़त्म। ऑलराइट कोई बंदा ट्रैक्टर लेके जा रहा है, अभी तो मैंने ये भी कार्गो नहीं लेके गया हूँ। ओके मैं स्पीड 100 के पास जाने वाली थी मेरी। ये टनल है क्या, छोटी सी है, काफी लंबी जाने वाली है? नहीं टनल नहीं है, टनल ही है। ओके आगे लगता है कोई कुछ आने वाला है और मुझे इस तरफ जाना है। अरे वाह गोल चक्कर आ रहा है। ओके मुझे याद रखना है कि मुझे किस रोड के ऊपर जाना है, मैं फिर दो गोल गोल ना घूमना शुरू हो जाऊं। ओके आने वाला मेरा रास्ता। ओके मुझे इस वाले पे मुड़ना है। सीधा से मैं आया हूँ और मुझे इस तरफ जाने के लिए इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ा है। ओके मैंने यहाँ एक और अगला गियर लगा दिया है। ओके ट्रक वाला मुझे मारने वाला लग रहा था मुझे, और मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके मुझे लगता है मैं आगे चलाऊंगा फिर दोबारा से। नहीं परफेक्ट है यार, परफेक्ट है परफेक्ट। ये रहे हमारे टायर, इस तरह बड़े चमक रहे हैं भाई। 0 मीटर है भाई, 0 मीटर टायर है इसका। चलो भाई अंदर बैठते हैं। ओके फिर दोबारा से स्टॉप आ चुका है हमारे लिए, और देखते हैं बाहर से निकल के। वो बस वाला देखो कहाँ से चक्कर लगा के भाग भी गया है। अरे ये ट्रिक तो मुझे भी नहीं पता था। नहीं उसने बस वाले उधर जाना था, ठीक है। ओके तीसरा तीसरे वाला गियर लग चुका है, अंदर बैठते हैं। ओके मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, मुझे गाड़ी वाले को गुजरने देता हूँ। ऑलराइट इस वाले पे नहीं अगले वाले पे मुझे जाना है। बड़ा भगा के लेके आ रहा गाड़ी वाला, छोटू सी लेके। ओके फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। ऑलराइट फुल मोड़ लिया जाए इसको।
All right. Okay. बैक करने वाला कितना को मुश्किल आने वाला मिशन देखते हैं यार. बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसे पहले थी वो जिस जगह से हमने उठाया सामान. ऑलराइट यहाँ पे वो रहा. ऑलराइट ठीक है मुझे लग रहा है इजी है. नहीं भाई मैं मेहनत करूँगा. ओके मैं अभी मुझे और आगे जाना पड़ेगा. मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा. अरे वाह बारिश आ गई है. इस थड़े के ऊपर से मैं गुजरने वाला हूँ. क्या बात है वेखी ट्रक तो मेरा लगता है ज़मीन लग गया. लग गया है लेकिन काम ख़राब ना हो जाए. ओके आह क्या बात है ट्रक ही बंद हो गया. आह ऑलराइट ओके ज़्यादा ही काम ख़राब कर दिया. मैं इसको फुल मोड़ता हूँ. ओके इसको मैंने सीधा रखना है तो बेहतर यही है कि मैं इसको ऐसे सीधा करूँ ऐसे फिर बैक करूँगा फिर अपने आप को फुल मोड़ दूँ. ऑलराइट और फिर मैं इसको सीधा कर दूँ. ऑलराइट फिर बैक को थोड़ा सोर. अरे वाह आज तो यार मैं आहिस्ते आहिस्ते अच्छा होता जा रहा हूँ दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा हूँ मैं. हो गया ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ नहीं गिर रही. ओ ऐसा लग रहा है बारिश नहीं गिर रही बर्फ़ गिर रही है. एनीवेज हम उतारते हैं हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जॉब और एक यूनिक ट्रक और यूनिक कार्गो के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर.